दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल बीज इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्ट्रा की के बारे में कि अडोब प्रीमियर में अल्ट्रा की का क्या यूज होता है। क्या आप क्रोमा की के थ्रू क्रोमा काट सकते हैं? नहीं, अल्ट्रा की के थ्रू भी आप क्रोमा काट सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे अल्ट्रा की के द्वारा हम क्रोमा काट सकते हैं। ये बहुत ही एक सॉलिड इफेक्ट होता है जिसके थ्रू आप एक बार में ही क्रोमा काट सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक इमेज ली हुई है इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर अपने, और ये आपकी इमेज इस टाइप से आ गई है। यहाँ से मैं इसकी ऑडियो रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइम लाइन पे। ये टाइम लाइन पे एक पे नीचे ऑडियो हो गई है और दूसरा वीडियो हो गई है। यहाँ से क्या करना है, हमने इसका थोड़ा सा इमेज साइज मैं कम कर देता हूँ। अभी ये 12 है, ये देखिए। अब ये क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी फिट हो गई है इस टाइप से, ये देखिए। ठीक है, अब करना क्या है हमें, यहां पे आपने सिंपली जाना है इस पॉइंट पे और यहां पे आपने सर्च करना है इफेक्ट, क्योंकि दोस्तों इफेक्ट के अंदर ही आपके प्लगइन्स वगैरह मिलते हैं जिनके थ्रू हम क्रोमा काट सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिखना है अल्ट्रा की। ये देखिए, ये आपकी अल्ट्रा की निकल के आ गई है। अल्ट्रा की जब हम लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, अल्ट्रा की को सिर्फ उठाना है और इस पर ड्रैग कर देना है सिंपली। जब आप अल्ट्रा की को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आपने जाना है इफेक्ट पॉइंट पे, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा की निकल के आ गई है। ये पूरी की पूरी सेटिंग है इसमें, है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लेना है आपने और सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका रिमूव हो जाता है, यानी कि हट जाता है। उसके बाद में आपने करना है मैटे क्लीन अप। ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट आ रहा है आपका इस टाइप से, तो उसकी सेटिंग आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये एकदम आपका ब्लैक हो गया है। अब आप इस साइड में देख सकते हैं कितना भी जूम करके कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा ये इस टाइप से। अब हमने करना क्या है, इसके नीचे बैकग्राउंड लगाना है। जब हम इसके नीचे बैकग्राउंड लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें इस लेयर को ऊपर करना पड़ेगा ट्रैक को, और इसको इसके नीचे यहाँ लगाना पड़ेगा। ये देखिए, अब आपकी इमेज वीडियो इस टाइप से शो करेगी। तो इस तरह दोस्तों आप अल्ट्रा की का यूज कर सकते हैं और किसी भी क्रोमा को काट सकते हैं। क्रोमा दोस्तों ग्रीन पर्दे पे भी करता है, रेड पे भी करता है, और ब्लू पर्दे का भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीजों के बारे में। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।